कॉमर्स वर्सेस साइंस। देखो, आपको ये एक स्ट्रीम फाइनल करोगे, डेली 5 आवर्स उस स्ट्रीम में आप पढ़ोगे। अगर 1 ईयर तक पढ़े तो लगभग 1000 आवर्स, 11th और 12th 2 साल पढ़ोगे तो 2000 आवर्स, और उसके बाद 3 साल कॉलेज के, तो 5000 आवर्स आप स्टडी करोगे। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम को अगर आप चूज़ करते हो, और ये 5000 आवर्स किस डायरेक्शन में होंगे, वो डायरेक्शन ये 30 मिनट्स की वीडियो डिसाइड करेगी। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ जो यहाँ पर आप सोच के आए थे ना, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में था स्ट्रीम से रिलेटेड, वो आपका 90% क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ बचा कमेंट में मुझे बता देना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह स्ट्रीम कंपैरिजन सीरीज, देखो 4 वीडियोज इसमें है, कॉमर्स वर्सेस साइंस वर्सेस आर्ट्स वर्सेस पीसीएम वर्सेस पीसीबी, हम बात कर रहे हैं वीडियो नंबर 1 की। थोड़ा सा माइंडसेट आपका चेंज हो सकता है, तो ध्यान से प्लीज मेरी बात सुनना। कॉमर्स साइंस रियल लाइफ यूसेज सिनेरियो, भैया मतलब कॉमर्स को आप डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हो, साइंस को आप डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हो। कॉमर्स को अगर देखें तो पेरेंट्स मेकिंग बजट ऑफ द होम, कि भाई ठीक है इतना हमारा एक्सपेंसेस है लिविंग, इतना हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, इतना हमारा कॉलेज की फीस हो गई, स्कूल की फीस हो गई, तो ये सब कुछ किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विद फ्रेंड्स इन पार्टी, वहां पर जब कैलकुलेशन होती है ना कि ठीक है 300 रुपीज लगे हैं, कैलकुलेटर बाहर आता है डिवाइड बाई 4, 5, कहां है, कॉमर्स में है। सेविंग द पॉकेट मनी, आप सोचते हो भाई ठीक है अगर मुझे 200 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं, उसमें से इतना अपने पास रखता हूँ, इतना मैं सेविंग करता हूँ, और मंथ एंड में जो मेरा फेवरेट पेन है जो 250 रुपीज़ का, वो पेन मैं परचेज करूँगा। ये गर्ल्स ज़्यादातर अपने फेवरेट क्रेयॉन्स को ऑर्डर करती हैं। ठीक है, आप प्राइस को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हो कुछ भी खरीदने से पहले, कि ठीक है अगर ये 1250 रुपीज़ की चीज़ है, इस पे 10% डिस्काउंट भैया ने बताया है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा। ये डे टू डे सिचुएशंस में आपने कॉमर्स को समझा। साइंस में क्या होगा, प्लांट ग्रोइंग। देखो जो कॉमर्स माइंडसेट का स्टूडेंट है ना, उसके लिए तो वो प्लांट है, लेकिन जो साइंस माइंडसेट का है वो ध्यान रखेगा, ठीक है 7 डेज में इतनी ग्रोथ आई, ऐसे ऐसे ये लीव्स ऐसे ऐसे गया। ठीक है, ग्रेविटी कैसे वर्क करता है, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कैसे आई, कैसे ये चल रही हैं, कैसे वो ब्रिक्स पर एक के ऊपर एक ब्रिक लगाते रहता और ये एकदम से शेप होता चला जाता है, आप इसके साइंस के पीछे जाओगे। ऑटोमोबाइल्स को आप वर्क करते हुए देखोगे, फैक्ट्रीज में सारे प्रोसेस चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कुछ भी कभी भी गड़बड़ क्यों नहीं होती, उस पर आप क्वेश्चन करते हो। और ये जो पेशेंट्स में आपने देखा है ना कि नर्स होती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, आसपास हॉस्पिटल्स हैं, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। आप जो भी चीज़ देखते हो ना, उसको सोचो यहाँ पर क्या स्ट्रीम है। जैसे ये पेन है, ये पेन सबसे पहले किसने बनाया होगा, आर्टिस्ट ने, फिर ये लाखों पेन बनाने थे कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, क्या आ गया, साइंस स्ट्रीम। फिर इस पेन की बाइंग सेलिंग आ गई, वो कहाँ पर होगा, कॉमर्स स्ट्रीम में। और ये पेन फिर किसी को आप बहुत तेज़ी से फेंक कर मार दो, फिर क्या आएगा, बायो स्ट्रीम। ठीक है, तो जो भी आपके आसपास चीज़ है उसको ऑब्जर्व करो कि ये साइंस में होगा या कॉमर्स में होगा, इस चीज़ का ये पार्ट साइंस में जाएगा, इस चीज़ का ये पार्ट कॉमर्स में जाएगा। अगर ऐसे देखोगे तो स्ट्रीम को डे टू डे रिलेट करना स्टार्ट करोगे, ये वर्ड बहुत बड़े नहीं लगेंगे। मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट दी स्ट्रीम, मिथ की बात कर लेते हैं। कॉमर्स का मिथ सबसे बड़ा पता है क्या है, बस फिनेंस के ही कोर्सेज होते हैं यहाँ तो। अरे जिसको ना फिनेंस में कुछ करना है ना, वो बीकॉम करना है, ये सब करना है, वो ही बस कॉमर्स लेता है। CA CS ही बस यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन पे तो इतनी लंबी कहानी है ना आगे, आप टेंशन फ्री हो जाओ, इसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शन है। साइंस की अगर मिथ की बात करें, जैसे देखो यहाँ CA CS है, यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिसिन है, कि भाई ठीक है अगर हमने मैथ्स लिया तो हम इंजीनियरिंग करेंगे, अगर हमने बायो लिया तो हम MBBS करेंगे और ख़त्म। बहुत बड़ा मिथ है ये, साइंस लोगों को लगता है डिफिकल्ट बहुत है। सी, साइंस को पढ़ाना एक आर्ट है, अगर आपके टीचर अच्छे हैं ना बहुत ईजी पढ़ेगा कंपैरेटिवली, लेकिन अगर टीचर अच्छे नहीं है ये वाकई में डिफिकल्ट लगेगी। ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही जो हैं वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स से तो साइंस चलती नहीं है, साइंस तो वर्क आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कॉमर्स और आर्ट्स तो बेकार है। मतलब जो साइंस में जा रहा है ना, वो पता है क्या कहता है अपने फ्रेंड से, कह रहे बेकार है कॉमर्स आर्ट्स तो, ये हमारे लेवल की नहीं है, इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ। ये हैं सारे मिथ, बहुत बड़ी हवाइयाँ हैं जो बन गई पता नहीं क्यों। फैक्ट क्या है, अगर फैक्ट देखें तो बहुत सारे ऑप्शन है कॉमर्स स्ट्रीम में, डिमांड हर फील्ड की है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, कॉमर्स भी चलता है साइंस भी चलती है, ऐसा नहीं एक ही खाली चलेगा।
और कॉमर्स का मतलब खाली बिजनेस ही नहीं है, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। साइंस के अगर फैक्ट देखें 300 प्लस करियर ऑप्शन है। ओ भाई बहनों मेरी बात सुनो, इंजीनियरिंग मेडिसिन के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है अवेलेबल है आपके लिए। कॉन्सेप्चुअल और इजी बढ़ेगा अगर आपकी अप्रोच सही है पढ़ने की, और एवरेज स्टूडेंट भी यहाँ पर सक्सीड हो जाता है। ये जो यहाँ पर मिथ्स थे ना, इनका प्योर अपोजिट यहाँ पर फैक्ट्स बन गए हैं। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मार्केट डिमांड पर। भैया डिमांड कितनी है किस स्ट्रीम में, अगर है तो कहाँ है। देखो अगर कॉमर्स की बात करें, फिनटेक फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बूम कर रहा है। लास्ट आपने चेक कब देखा था और लास्ट आपने अपने ऐप से कब पे किया था, राइट? आप फर्क देख रहे हो, फिनटेक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लोग ना अपनी सेविंग्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब ना बचपन में जब यंगस्टर्स होते थे ना, तो पेरेंट्स पता क्या कहते थे, बेटा सोच समझ के चलो, बेटा सेविंग करो, बेटा बुढ़ापे में पैसा ही काम आएगा, बेटा देख के चलो। अब नहीं होता, अब तो 23 की एज में जीरोधा भी है, अब स्टॉक्स भी है, सारे ऐप हैं, और सब में कुछ ना कुछ चल रहा है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इसका बेस क्या हो गया, ब्लॉकचेन। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पर देखो, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस कर रहे हैं यार। पता है क्या बताते हैं, कि अगर आप ये कार परचेज करने जाओगे तो इतना आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है, TCS ही होता है, TDS ही होता है, ठीक है। वो ये बताते हैं कि अगर आप सैलरी इतनी ले रहे हो तो इसमें टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हो। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, बहुत से कॉमन लोग आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेते हुए दिखेंगे। पहले ना एक मिथ था क्या, कि 1 लाख अगर किसी की सैलरी है ना, ये उससे ज्यादा है तो तभी वो फाइनेंशियल एडवाइस लेगा। अब अगर किसी की सैलरी 25,000 है ना, वो भी चाहता है कि भाई ठीक है 10 ईयर्स में मेरी सैलरी इतनी इंक्रीज होगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी ऐसे इंक्रीज होगा, और मेरे ये टारगेट है उसके अकॉर्डिंग मैं सेव करना चाहता हूँ। वक्त बदल रहा है और लोग ना टारगेट के अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हैं, भाई ठीक है 10 ईयर्स डाउन द लाइन मेरे को एक घर चाहिए, तो उनको एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ऐसा बनाना पड़ेगा जो 10 साल बाद उनको इतनी लिक्विडिटी दे दे कि उनके पास घर आ जाए। तो ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसलिए स्ट्रीम बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पर साइंस ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ब्रांच है। बेस क्या है, टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है AI आ चुका है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। ये मेरे साथ एवरीवन विद मी, कम ऑन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहां पर है। सब हिल जाएगा लेकिन टेक्नोलॉजी वहीं रहेगी। हेल्थ एक प्राइमरी कंसर्न बन चुका है, मेटावर्स आ रहा है, Web3 आ रहा है, मेडिकल टूरिज्म, रशिया से अफ्रीका से लोग इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं क्योंकि यहां पर सस्ता है और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। फिटनेस एप्स बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा स्केल कर रही है, सस्टेनेबल एनर्जी सिटीज़ जैसे धोलेरा स्मार्ट सिटी, एक बार डाल देना बस गूगल पे, धोलेरा स्मार्ट सिटी गूगल पर डाल देना, समझ आ जाएगा। तो भैया इससे तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दोनों स्ट्रीम में डिमांड है। हाँ है, ये मत सोचना कि इसमें कम इसमें ज़्यादा, दोनों में भरपूर डिमांड है लाइन से करियर से। ठीक है जी, पेरेंट्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक कॉमर्स मतलब CA कर लो, अच्छा CA तो थोड़ा डिफिकल्ट, कोई बात नहीं CS कर लो, CMA कर लो, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट, कोई बात नहीं DU से CUET का एंट्रेंस क्लियर करके BCOM कर लो, BMS कर लो, ECO पढ़ लो, BCOM SRCC से, BMS शहीद सुखदेव सिंह से, ECO लेडी श्रीराम से, ये नहीं चाहिए BBA कर लो फिर IIM से। ये मार्केट की, समाज की, लोग, रिश्तेदार, उनकी एक्सपेक्टेशन है। आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो ना, जो लोग आपसे मिलेंगे वो इनमें से कोई एक लाइन बोलेंगे, अरे DU बहुत बढ़िया बेटा, वहाँ जाओ CA CS करके देख लो, नहीं तो आजकल BBA भी हो रहा है IIM से। ये कम लोगों को पता है, ये मैक्सिमम। अब साइंस लोगे तो क्या भाई, मैथ्स लिया तो IIT की तैयारी, अगर बायो लिया तो नीट की तैयारी, पैकेज आपका हेफ्टी पैकेज होगा, शानदार 1-2 करोड़ का पैकेज, US UK में सेटल हो जाओ। और अगर शादी करोगे ना, अपने डोमेन में ही करना, डॉक्टर डॉक्टर से, इंजीनियर इंजीनियर से। ये एक मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि भाई ठीक है ये डिग्री ऐसे, ठीक है। अब अगर आपने स्ट्रीम लिया है तो क्यों लिया है, मैं रीजन बताता हूं। अभी तक लास्ट 70 ईयर्स में जिसने स्ट्रीम चूज किया है उनमें से कोई एक रीजन यहां पर आपको मिल जाएगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट इन मनी, किसी से पूछो ना कॉमर्स क्या, ये ऐसे कर देगा ऐसे, अभी ये क्या होता है मुंह से नहीं बोल सकते, कॉमर्स का मतलब ये पैसा पैसा, हैविंग इंटरेस्ट इन मनी। किसी से कहो मुझे पैसे में इंटरेस्ट है, बेटा कॉमर्स ले लो।
सिबलिंग को और एल्डर को सक्सेसफुल होते हुए देखा। मेरे ना एक दीदी हैं, वो ना सीए बन गई, ठीक है, उन्होंने ना फिर बार्कले में जॉब किया, उनका 15 लाख का पैकेज हो गया, फिर उनकी शादी हो गई, फिर वो ना मालदीव्स गई हनीमून पे, फिर वहाँ पे ना वो एक वो फ्लोटिंग वाला उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उन्होंने फोटोज वगैरह अपलोड की, मुझे भी वैसी करना है। एल्डर को देखा सक्सेसफुल तो हम भी वहीं, ठीक है जी। फैमिली ट्रेडिशन, पापा भी कॉमर्स, मम्मी भी कॉमर्स, भैया भी कॉमर्स, दीदी भी कॉमर्स, खानदान में सब कॉमर्स, तो आप भी कहाँ गए कॉमर्स की तरफ। स्कीर्ड ऑफ साइंस, साइंस से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, साइंस से डर लगता है। टेंथ तक तो पढ़ लिया, बस अब नहीं देखना है मुझे, स्कीर्ड ऑफ साइंस। आर्ट्स तो बेकार है, आर्ट्स में तो मेरा मतलब मन नहीं है, पता नहीं कौन बच्चे करते हैं, और साइंस तो डिफिकल्ट हो गया तो मैं कॉमर्स ले रहा हूँ। और एक हो गया रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रीम, समझ रहे हो, मेरी वाली ने ना कॉमर्स लिया है, सीए करने के लिए कह रही है, तो मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ, रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रीम। ऐसे हमारी स्ट्रीम चूज होती है, शर्म कर लो। साइंस में आ जाओ, बहुत मेहनत होगी, मतलब मैं मेहनती हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ। एक माइंडसेट बना हुआ है, साइंस मतलब मेहनत, डिफिकल्ट पड़ेगा साइंस। लाइक टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड थिंग्स हैपनिंग, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि मेरा ना स्केप्टिकल दिमाग चलता है, ऐसा खुराफात ही है, तो मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, नासा ये स्पेस वगैरह में जाऊँ, ये सब कुछ मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट और डॉक्टर बनना है। जैसे बचपन में कुछ लड़कियां होती हैं ना, वो डॉक्टर डॉक्टर खेलती हैं, वो फिर मेडिसिन भी देती है अपने फैमिली मेम्बर्स को, वही वाला सीन है। और एक फिर रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रीम तो है, ये कहीं नहीं जाएगा। मेरी ना गर्लफ्रेंड ना बायो में जा रही है, तो मैं भी बायो में जाऊंगा। गर्लफ्रेंड का फिर नीट हो गया, नहीं तो वो कहीं और कॉलेज में चलेगी, तुम क्या करोगे, लुल। दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है। अब बिना सोचे समझे भैया हमने स्ट्रीम ले ली, पहले तो इनमें से कोई रीजन की वजह से हम स्ट्रीम में चले गए, अब चले गए बिना सोचे समझे, अब हमारे साथ क्या होगा। देखो कॉमर्स में अगर चले गए मार्क्स कमा सकते हैं, जिंदगी में ना चलते 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 एकदम फील करोगे यार मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों इस स्ट्रीम में आया हूँ, ये क्या चल रहा है, डेबिट क्रेडिट भाई बहन, क्या समझ नहीं आ रहा, ऐसा फीलिंग आएगा, कन्फ्यूजन अबाउट द करियर। मैं कसम से बता रहा हूँ, क्लास 12th का जब रिजल्ट आता है ना, और कॉलेज एडमिशन तक, ये जो बीच का टाइम होता है ना, यहाँ बीच में नींद खुल जाती है, 2 बजे में, 3 बज गए, नींद खुल गई, क्या होगा, कैसे बनेगा करियर, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो जाता है करियर का। और सीए जैसे कोर्स में आप अटक जाओगे। भैया मैंने तो ना सीए की तारीफ सुनी है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्रिकेट इधर इधर, एवरीवन ये देख लो बस, इधर क्रिकेट, क्रिकेट की वैल्यू मेरे लिए क्या है, मैं कसम से बताऊं, 0। अगर कल क्रिकेट बंद हो गया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बैडमिंटन खेल लूंगा, मैं फुटबॉल खेल लूंगा, मैं लॉन टेनिस खेल लूंगा, लेकिन क्रिकेट बंद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कल क्रिकेट बंद हो गया, विराट कोहली के लिए क्रिकेट की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1000 करोड़ रुपीज पर ईयर, मिनिमम बता रहा हूं, मेरे लिए 0, विराट कोहली के लिए 1000 करोड़। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए सीए की वैल्यू होगी, हमारे लिए नहीं है, है तेरे लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए मैं पहले हूं, मैं ये सीए नहीं कर सकता, बात हो गई खत्म। तो जो दूसरे की वैल्यू है उसको अपने सिर पर नहीं लेना है। बिना सोचे समझे अगर स्ट्रीम चूज कर लिया, फिर ये सीए आप पर थोपा जा सकता है, राइट, प्रोफेशनल कोर्स आप पर थोपे जा सकते हैं, ये गड़बड़ हो सकती है, औरों के लिए वैल्यू होगी, हमारे लिए नहीं है। साइंस अगर हमने गलती से चूज कर लिया, आप फेल हो सकते हो, डिप्रेशन में आ सकते हो, आपको पता है सुसाइड केसेस वगैरह सब कुछ होता है, एंट्रेंस की तैयारी करते करते बच्चा नहीं पढ़ जाता है, ऐसा कहें का एंट्रेंस हो गया, हमारे लिए तो है। कैन टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का ई नहीं पता, इंजीनियरिंग में जाके बिल्कुल मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि बोर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ना फिजिक्स पढ़ पा रहे हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कभी किया ही नहीं, कभी बचपन में वो जो शूज़ का बॉक्स था उसको ओपन करके ऐसे नट बोल्ट उसके घिस के उस पर टायर लगा के उसको कभी मूव ही नहीं किया, कोई फायदा नहीं इंजीनियर बन के। बायोलॉजी में हम ना गए, हमने ना MBBS में एडमिशन लेने की कोशिश की, MBBS में एडमिशन हुआ नहीं, फिर मैं ना बायोटेक में एडमिशन ले लिया, ना बायो पता ना टेक पता, ये गलतियां होंगी अगर आप गलत स्ट्रीम में चले गए तो, ये गलतियां करनी है अवॉइड, ठीक है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, सब्जेक्ट्स। कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉमर्स में एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, मेन मतलब जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, एडिशनल ये स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। देखो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश,
ये चार सब्जेक्ट आप कोई भी बोर्ड से हो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कॉमर्स स्ट्रीम में। भैया एडिशनल में क्या होता है, देखो एक तो हो गया कॉमर्स विद मैथ्स, ये आपको सारे स्कूल्स ऑलमोस्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर ये जो सब्जेक्ट्स हो गए ना, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज, ये सब डिपेंड करते हैं आपके स्कूल पर। अगर स्कूल आपको एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है तो आप पढ़ोगे, अगर स्कूल आपको कहता है कि फिजिकल एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप पढ़ोगे। यहाँ पर आपके हाथ में चॉइस कम है, लेकिन ये चार सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे, बाकी आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, साइंस में देख लेते हैं। देखो जी, पी सी एम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पी सी बी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश तो है ही साथ में। इंग्लिश एक इकलौता ऐसा ट्यूशन है जहां पर हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं, क्यों? क्योंकि पी सी एम वाला भी, पी सी बी वाला भी और कॉमर्स वाला भी सब इंग्लिश का ट्यूशन एक ही जगह पढ़ते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? चलो जी, एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें, बहुत बड़ी जनता पी सी एम कैटेगरी की कंप्यूटर साइंस एडिशनल में लेती है। उनको लगता है कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, आगे भी मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और अब भी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ लेता हूँ। उन्होंने टेक को कनेक्ट कर दिया मैथ्स से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। बाकी सब्जेक्ट साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ये डिपेंड करेंगे अगेन किस पर? स्कूल पर। अगर आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो आप ले सकते हो, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है जो स्कूल आपको कहेगा आपको वो लेना पड़ेगा एडिशनल में। मेन में तो यही रहेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो, कॉमर्स है मॉडरेटली डिफिकल्ट, साइंस है डिफिकल्ट। भैया ऐसे कैसे कह दिया, कॉमर्स में मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चन देखे हैं, 40 मिनट्स लगता है क्वेश्चन करने में, आपको क्या पता, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, टेंशन ना लो। मॉडरेटली डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना, कॉमर्स में ना थ्योरी होती है थ्योरी, साइंस में होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए यहां पर चाहिए होती है लैब्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, वहां पर जाके रिसोर्सेज को करना पड़ता है अलाइन। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर कोई बच्चा कर रहा है उसके लिए पढ़ेगा डिफिकल्ट, लेकिन कोई बुक से ही पढ़ रहा है, यहाँ भी बुक्स हैं, यहाँ भी बुक्स हैं, यहाँ भी टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर तो ये भी मॉडरेटली डिफिकल्ट है। अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बच्चा नहीं कर रहा फिर तो ये भी मॉडरेटली है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी टीचर्स देख रहे हो, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आजकल कराने लगे हैं, न्यू ट्रेंड आया है लास्ट 1.5 ईयर से, तो वो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है, इतने रिसोर्सेज को अलाइन करना, इतनी चीज़ों के डेप्थ में जाना, और अगर खाली थ्योरी पढ़ते हो तो ये भी मॉडरेटली डिफिकल्ट है अगर टीचर अच्छे हैं तो। अब आते हैं ट्यूशन रिक्वायरमेंट की तरफ। आपने कॉमर्स ले लिया क्लास 11th में, आपको अकाउंट्स का ट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्लास 12th में सारे सब्जेक्ट्स का ट्यूशन चाहिए ही चाहिए, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो। इधर 11 से ही पी सी एम का ट्यूशन लगेगा अगर मैथ्स लिया है, पी सी बी का ट्यूशन लगेगा अगर बायो लिया है, 11th क्लास से लगेगा लगातार सारे सब्जेक्ट्स का। पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग इन हायर एजुकेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप हो क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट, आप बी टेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एनडीए कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप बीएससी कर सकते हो? नहीं कर सकते। कॉमर्स का बच्चा साइंस में स्विच नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हो क्लास 12th साइंस स्टूडेंट, आप फाइनेंस में करियर बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। आप मास कॉम में करियर बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। आप लॉ में करियर बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स में आ जाएगा, लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में नहीं जा सकता। हार्श रियलिटी है, लेकिन है। अब आते हैं करियर ऑप्शंस की तरफ, ध्यान से समझना प्लीज। भाई आपने ये तो बता दिया कॉमर्स का बच्चा साइंस में नहीं जा सकता, लेकिन कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉमर्स स्टूडेंट के पास? 350 करियर्स। भैया सच में? हाँ आओ कहानी सुनाता हूँ। कैटेगरी 1 फिनेंस और मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आ गया यार? ये ना आज मेरा हाथ ना थोड़ा सा टेबल पे लगा है तो राइटिंग गड़बड़ आ सकती है, तो दिल पे मत लेना, ठीक है। फिनेंस मैनेजमेंट में सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, FRM, और क्या बचा जी? USCMA, और क्या बचा? USCPA, BA Economics, BCom, BCom Honors, ये सब आ गया Finance Management। Design पे आ जाओ, Design में क्या हो गया? Graphic Designing, Fashion Designing, Footwear Designing, Jewelry Designing, Textile Designing, Interior Designing, Artist, ये सब आ गए Designing में। Law, BA LLB, BCom LLB, आपका फिर BBA LLB, चाहे 3 इयर्स का हो चाहे 5 इयर्स का हो, ये यहाँ पर आ गया। मास कम्युनिकेशन पूछो ही मत, डीजे,
डिस्क जॉकी, आरजे, रेडियो जॉकी, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर, फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी, मास कॉम में आ गया, लिबरल आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ऐसे 45 सब्जेक्ट्स में आप लिबरल आर्ट्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट, कहाँ जा रहे हो, रुको भी, होटल मैनेजमेंट, इसमें आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म और आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये सब कुछ यहाँ पर आ गया। लगभग 5 to 6 डिग्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें बीए इन एजुकेशन, बीए इन स्पेशल एजुकेशन, जो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी अलग होते हैं, राइट। आप बीएलएड यहाँ पर कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग का मतलब जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, इसमें क्या हो गया जी, बीए इन डांस, इन म्यूजिक, इन थिएटर, और क्या बचा, परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री। भैया ये क्या कहानी सुना दी, हाँ ये सारे करियर्स हैं, 350 प्लस आएंगे अगर टोटल करेंगे तो, ठीक है। ये सब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अब आ जाते हैं साइंस में। साइंस में जिनके पास पहले है मैथ्स, ठीक है, पीसीएम स्ट्रीम है, उनके लिए क्या क्या करियर्स हैं, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर आ जाओ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ऐसे करके 27 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी कोर्सेज आप कर सकते हो। सेकंड, आर्म्ड फोर्सेज एंड कॉमर्शियल पायलट। आर्म्ड फोर्सेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप जा सकते हो। आर्मी में कॉमर्स स्टूडेंट भी जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं। कॉमर्शियल पायलट अगर आपको बनना है, आप पीसीएम स्ट्रीम के थ्रू जा सकते हो। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा आपका डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके जैसे लगभग 25 करियर्स आपके लिए ओपन है। साइंटिफिक स्टडी क्या आ गया यहाँ पे, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ठीक है, और लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी 15 करियर्स आपके लिए होंगे। ये सब ओपन है अगर आप पीसीएम के थ्रू जाते हो। भैया बायो, मेडिकल अलाइड पैरामेडिकल करियर आ जाओ, एमबीबीएस, अगला बीडीएस, फिर वेटनरी, फिर होम्योपैथी, फिर आयुर्वेदा, फिर यूनानी, ऐसे करते करते कितने, लगभग 40 करियर्स। मेडिकल एंड लाइफ, यहाँ पर क्या आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कुछ यहाँ पर आ गया। पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसमें भी 2 से 3 डिग्री। कुछ बायो के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में भी अपना करियर बना सकते हैं। और जितनी मैंने कॉमर्स की कैटेगरी आपको बताई थी, वो सारी भी साइंस स्टूडेंट के लिए ओपन है, ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं, कॉमर्स के मैंने आपको सारे करियर्स बता दिए थे 350 प्लस, पीसीएम के लिए ये, कुछ बच्चे पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली पीसीबी के लिए, और ये सारे करियर्स कॉमर्स वाले पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो टोटल 15 कैटेगरी में साइंस स्टूडेंट का करियर हो गया, और टोटल 8 कैटेगरी में कॉमर्स स्टूडेंट का करियर हो गया। भैया ये तो इतने सारे करियर हो गए, आप मुझे कुछ मेन करियर बता सकते हो जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं? हाँ, जो हीरो करियर्स, ज्यादातर बच्चे इनको प्रिफर करते हैं। अब रीजन कुछ नहीं है प्रिफर करने का, कि भाई ठीक है, ये भी सीए में जा रहा है, ये भी सीए में जा रहा है, ये आईआईटी की तैयारी कर रहा है, ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है, चलो मैं बीए करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन देखते हैं क्या क्या है। फिनेंस डिग्रीज, एक तो बीकॉम, एक बीकॉम ऑनर्स, और एक आपका बीए इन इकोनॉमिक्स, ये हो गया हीरो करियर। फिनेंस कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन, सीएफए, एसीसीए, एफआरएम, यूएससीएमए, सीपीए, सीए, सीएससीएमए, ये 7 to 8। और मैनेजमेंट कोर्सेज में बीबीए, एमबीए, चाहे इंटीग्रेटेड हो या फिर खाली बीबीए हो, ये हीरो करियर्स हैं। लोगों को इन्हीं के बारे में पता है, ठीक है, इन्हीं में जाते हैं। यहां पर जब सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कि भाई ठीक है मैंने ना कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट कर दिया था, थर्ड ईयर में आत्मा अंदर से आई कि भाई यार नहीं, मेरा फिनेंस इंटरेस्ट नहीं है, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, मैं ना बचपन से ना ड्राइंग करता था, मुझे ना बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वाले वर्क पसंद है, फिर वो धीरे धीरे ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स की तरफ जाता है बच्चा, फिर वो 3 to 4 इंटर्नशिप करता है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है स्टार्टिंग यहाँ से होती है हीरो करियर से, और धीरे धीरे इधर उधर निकलते चले जाते हैं। कोई मास कॉम में निकल गया, कोई डिजिटल मार्केटिंग में निकल गया, कोई डिज़ाइन में निकल गया, स्टार्टिंग यहीं से होगी, गड़बड़ यहीं से करनी है। कुछ बच्चे सक्सेसफुल हो गए जिनका गलती से एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट अलाइंड था, या फिर जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की, जो बाय डिफॉल्ट चले गए, वो थोड़े थोड़े टाइम में निकल के अपने करियर को इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हीरो करियर देखें तो मेडिसन, भाई बायो मतलब क्या, एमबीबीएस और मैक्सिमम बीडीएस, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही है बस। इंजीनियरिंग, इसमें भी कंप्यूटर साइंस, हद से हद सिविल, मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल, बस ये मान लो, बस ये चार। आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फार्मेसी, टीयर टू टीयर थ्री में हजारों बच्चे पढ़ते हैं फार्मेसी, ये चार हैं हीरो करियर्स। अगेन यहाँ पर भी यही चलता है, मेडिसिन में चले गए, फिर अंदर से आवाज़ आई कि भाई नहीं मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उन चीज़ों के सर्टिफिकेशन होते हैं, फिर करियर को शिफ्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे अलाइनमेंट होता है। स्टार्टिंग यहाँ से होगी, जिसका बाय डिफॉल्ट गलती से ये करियर सही चूज हो गया और मेहनत करा वो लग गया आगे, उसका करियर सक्सेसफुल हो गया। जिसका API एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी इंटरेस्ट अलाइंट नहीं था वो इधर उधर निकलता चला गया। इन करियर्स में ना डायरेक्ट बच्चा नहीं जा रहा, पहले यहाँ पर जाता है, जैसे एक ऐसा हो गया कि यहाँ पर जाके जय हो सब कुछ किया, उसके बाद दूसरे करियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब भैया ये जो करियर्स हैं, हाँ आपने कह दिया कि ये हीरो करियर्स हैं, आप मुझे बता सकते हो इन करियर्स में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? अगर अर्निंग अच्छी करनी है तो क्या चाहिए, तो मैं फिर डिसाइड कर पाऊंगा ये करियर मेरे लिए है या नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अच्छी कहानी है। इंपॉर्टेंट टू हैव इंटरेस्ट इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। आप CA करने जाओगे, वहाँ पर आपको अकाउंट्स मिलेगा, SFM मिलेगा, FM मिलेगा, FR मिलेगा, ठीक है। इन सब में क्या है, नंबर्स हैं, 40-50 मिनट्स लग जाते हैं कि क्वेश्चन में, डेढ़ घंटा भी लग जाता है कभी कभी। अगर नंबर्स को देख के कोई अनकम्फर्टेबलनेस आती है ना, आपके लिए नहीं है, भूल जाओ टोटली कि ये करियर्स में नहीं जाना। हैबिट ऑफ रीडिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड बिजनेस, मतलब आपके सामने ना एक आर्टिकल आया और उसमें लिखा था 2000 करोड़ प्रॉफिट इस बिजनेस ने अर्न किया है, आपके ना दिमाग में हो गई चुल कि यार ऐसे कैसे 2000 करोड़ का रिवेन्यू नहीं, प्रॉफिट कैसे आया। आपने आर्टिकल पर क्लिक किया और उसको रीड किया और तब तो आपको समझ आया अच्छा ऐसे वर्क करता है। मतलब आप एक्टिवली कॉन्टेंट कंज्यूम नहीं करते हो, लेकिन जब आपके सामने कुछ आया अच्छा सा और बिजनेस से रिलेटेड है तो आप क्लिक करके उसको रीड कर लेते हो। अगर ये अंदर से आवाज आती है, ये आप करते हो प्रैक्टिकली अंदर से, समझ जाना ये करियर में जा सकते हो। अगर नहीं करते, क्वेश्चन है यहां पर, फिर क्वेश्चन, ठीक है। डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग द रीजंस ऑफ चेंज इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स। यूक्रेन वॉर हुआ, UK में ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंट्री रिलेशंस कैसे होंगे, कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वर्क करेगा, ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि भाई ये होगा कैसे, अब चलेगा कैसे, राइट। अगर ये सब चीज़ें आती हैं, थोड़ा बहुत भी 10-20% भी आती है, तो इन करियर्स में जाने की सोचना, नहीं तो और भी बहुत कुछ है। अब आते हैं साइंस की तरफ। हैविंग साउंड मैथमेटिकल एंड ऑब्जर्वेशन एबिलिटी। देखो कॉमर्स में होता है 1-2-3, साइंस का जो 1-2-3 है ना, उसके आगे आ जाता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और बहुत ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप PCM स्ट्रीम पर नहीं जाइए, ठीक है, ये कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको ना अपने दिमाग में फैक्ट्स ना क्लियर होने चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अगर ये क्यूरियोसिटी आप सेटिस्फाई करते हो हर चीज़ के लिए, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई और आपने कहा कि भाई इसका वाई, व्हाट, हाउ सब निकालूंगा और आज ही निकाल के फिनिश करूंगा, ये एक मेंटेलिटी है, तो फिर आप साइंस के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। भैया ये तो ना कुछ ट्रेड्स तो हो गए कॉमर्स के, कुछ हो गए साइंस के, कुछ कॉमन भी तो होंगे, हाँ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे हो CS, चाहे हो CA, चाहे हो IITian, चाहे हो MBBS, और भी सारे करियर्स। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तो अगर आप 100% अर्न कर सकते हो ना, 70% ही अर्न कर पाओगे, 30% आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, ना चाहते हुए भी आप बोल ही नहीं पा रहे जो आपको आता है, तो फिर आपको मिलेगा भी नहीं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड अपडेटिंग योरसेल्फ एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। टेक्नोलॉजी पता है कैसी चीज़ है, पढ़ते पढ़ते चेंज हो जाती है। CA CS से रिलेटेड पता है कितने सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पर एक नया स्टार्टअप आ जाती है कि हमें इसको पूरे को पूरे प्रोसेस को, ये जो ITR फाइलिंग से रिलेटेड है, कंपनी ऑडिटिंग से रिलेटेड है, इसको हमें स्टैंडर्ड बनाना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, अपडेट करना पड़ेगा। MBBS, इतने ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर आप एक बार फ्यूचर ऑफ मेडिकल एक बार टाइप कर दो बस गूगल और यूट्यूब पर, मेडिकल इन 2030-2040, ऐसी ऐसी वीडियोज आएंगी ना, दिमाग ऐसा हो जाएगा पे ये तो पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा,
प्रोसेस वही है, 7 to 8 lakh रुपीज से स्टार्ट होगी जॉब, उसके बाद आफ्टर 5 years आपकी ये जॉब 15 lakhs की हो जाएगी, ठीक है। लगभग 35 की एज में आप आ जाओगे 30 lakhs पर, ठीक है, 45 की एज में आप आ जाओगे 50 lakhs पर। फिर ये जो 50 lakhs से ऊपर है ना, ये जो है यहाँ से अगर 1 crore और ये वाला जो जंप है ये लेना है तब ये चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड अपडेटिंग योर सेल्फ एज पर द नीड ऑफ द मार्केट, अगर ये अपडेट नहीं किया फिर वो स्टक है कि भाई ठीक है 40, 41, 42, अगर ये भी टॉप कॉर्पोरेट्स में अगर आप चले गए, ठीक है। लॉजिकल थॉट प्रोसेस, अगर डॉक्टर गलत मेडिसिन दे दे तो, सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलत कैलकुलेशन करके गलत ट्रीटमेंट कर दे तो, कंप्लायंस ही ना कर पाए, ठीक है, जो कोडर है वो गलत कोड लिख दे तो लॉजिकल थॉट प्रोसेस तो चाहिए। डिजाइनर गलत डिजाइन बना दे जो क्लाइंट को चाहिए ही नहीं, मैं ये वीडियो गलत रिकॉर्ड कर दूं, तो एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस हर स्ट्रीम में चाहिए, हर करियर में चाहिए। ये तीनों चीजें हैं कॉमन, ये हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अगर आपको इन हीरो करियर्स में शेप करना है अपनी जिंदगी को। भैया क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, चलो। स्टडी अब्रॉड ऑप्शन, भैया कहां कहां पढ़ सकता हूं मैं, कहां कहां पढ़ सकती हूं? देखो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, कनाडा, सब कुछ ओपन है। किन डिग्रीज के लिए? इकोनॉमिक्स में आप डिग्री कर सकते हो, ऐसा कॉमर्स स्टूडेंट लिबरल आर्ट्स पढ़ सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ सकते हो, एब्रॉड से पढ़ सकते हो। यहाँ पर बीटेक ऑनर्स के कोर्सेज, बायोटेक, मेडिसिन, सब कुछ, मेडिसिन बोले तो MBBS, BDS, सब कुछ एब्रॉड में अवेलेबल है, आप जा सकते हो पढ़ने। भैया कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एब्रॉड में जॉब्स कितनी है? लिमिटेड है। भैया साइंस स्टूडेंट के लिए है, मेडिसिन और टेक की दुनिया भर की जॉब्स है। आप US, UK में जाओगे डॉक्टर आपको इतने मिलेंगे, मिनी इंडिया बना रखा है। गूगल फेसबुक के हेडक्वार्टर में चले जाओ, मिनी इंडिया है, लिटरली इतने सारे इंडियंस हैं, ठीक है। यहाँ पर भी है भाई CA अगर आप देखोगे तो वो दुबई में आपको, UAE वगैरह में बहुत मिलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो आपके पास स्टडी अब्रॉड ऑप्शन तो है, लेकिन अब्रॉड में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू साइंस कम मिलेंगी। कंपैरिजन चाहे यहां 99 हो यहां 100 हो, 1% का डिफरेंस तो होगा। यहां पर स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इंडिया से जो मेडिकल पढ़कर जाते हैं या फिर जो यहां से इंजीनियर बन के जाते हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास अब्रॉड से ही बीटेक है तभी वैल्यू है, ठीक है। चलो जी अब आते हैं कहां पर कंपटीशन लेवल इन जॉब्स। यहां पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है, टू मच कंपटीशन। कोई कहता है ना कॉमर्स इजी है, उसको ये वीडियो दिखाना और ये पॉइंट तो खासकर दिखाना है कंपटीशन वाला। कैसे? साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैं पता नहीं कितने लिटरली लिंक्डइन प्रोफाइल देख चुका हूं, बीटेक किया है उसके बाद किया है जी क्या CFA, उस CFA तो फाइनेंस का करियर है लेकिन साइंस वाला बच्चा आ गया। यहां पर साइंस के स्टूडेंट्स कॉमर्स को कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स साइंस को कंपटीशन नहीं दे सकते। तो साइंस में जॉब कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि यहां पर सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कॉमर्स में तो कॉमर्स वालों से भी मुकाबला है और साइंस वाले भी आ जाते हैं यहां पर, समझ रहे हो? चलो हाई प्रोफाइल जॉब्स, भैया जॉब्स का इतना कुछ बता दिया तो कॉमर्स की हाई प्रोफाइल जॉब्स और लो प्रोफाइल जॉब्स क्या होंगी? देखो इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, एक्चुअरी एनालिस्ट, CFO, पैसा ही पैसा, मार्केटिंग मैनेजर, पैसा ही पैसा, HR, ग्रोथ हैकर, ऑर्गेनिकली बिना एड पर खर्च किए अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करें, प्रीमियम लॉयर्स, डिजाइनर्स, राइटर्स, होटेलियर्स, पैसा ही पैसा है। 8 lakh से लेकर 2, 3, 4 crore तक जा सकती है सैलरी। यहां पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आर्मी ऑफिसर, ऑर्गेनिक फार्मिंग साइंटिस्ट, रिसर्चर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, बिजनेस एनालिस्ट, अगेन 7 to 8 lakh से लेकर 3 crore तक जा सकता है अलग अलग वेरिएशंस में, ठीक है। भैया लो प्रोफाइल जॉब्स, लो प्रोफाइल जॉब्स का मतलब क्या हुआ? 20 to 30 thousand की सैलरी, ठीक है। अकाउंटेंट, टेली ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स पर्सन, फ्रंट डेस्क ऑपरेटर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब जॉब्स अवेलेबल हैं। IT सपोर्ट, आप सपोर्ट स्टाफ के साथ वर्क करते हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होते हो, मैकेनिकल वर्क कर सकते हो, बेसिक हेल्थ केयर वर्क करो, ठीक है, बेसिक वाला जो होता है, और मेडिकल टेक्नीशियन, इन सब की सैलरी 20 to 30 thousand रुपीज होती है और ये लो प्रोफाइल जॉब्स मानी जाती हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम इनसे अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और एम्बिशन रख सकते हैं इन सब जॉब्स का,
डन। अब आ जाते हैं पैकेजेस की तरफ। मैंने पैकेज आपको पहले ही बता दिया, हाई प्रोफाइल में प्रोसेस वही है। आप 22 में अपना डिग्री वगैरह कंप्लीट करके आ गए, 7 to 8 lakh से स्टार्ट होगा, फिर एट द एज ऑफ 30, फिर 40, फिर 50। 50 के बाद एक अलग टाइप का आपको पुश चाहिए कि भाई ठीक है, मार्केट अडेप्टेबिलिटी और थोड़ा सा समझना लोगों को, थोड़ा सा जब फनल, भाई यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, फिर कम हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये ऐसे इस वाली पोजीशन पर जाना पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, तो इसको स्केल करना, यहाँ तक आना और अच्छे से मैनेज करके रखना, इसके लिए चाहिए होता है थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स, नॉर्मल से ज़्यादा। तो उसको अगर मैं साइड में रख दूँ तो यहाँ पर पैकेज 50 to 60 lakh रुपीज़ तक चला जाता है कॉमर्स का। चाहे आप डिज़ाइन के टॉप डिज़ाइनर्स पकड़ लो, या फिर आप फिनेंस वर्ल्ड के पकड़ लीजिए, मास कम्युनिकेशन में चले जाइए, इतना चला जाएगा। यहाँ पर मॉडरेट होता है, सिर्फ एक्सेप्शन क्या है पता है, ये टॉप 5 कॉलेजेस इंजीनियरिंग के जो हैं इंडिया में, इसमें भी जो कंप्यूटर साइंस में गया है उसमें भी जो हाईएस्ट पैकेज है जो 2 to 3 स्टूडेंट का है बस, वो होता है 1 to 1.5 crore का। ये एक्सेप्शन है, बाकी सब का प्रोसेस वही होगा। यहाँ पर भी बाकी सब करियर का प्रोसेस सेम होगा, ये एक्सेप्शन थोड़ा सा आ जाता है, इनका पुश ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आज से 30 साल पहले, 30 इयर्स बैक, इंडिया में ना इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, तो तब किसकी रिक्वायरमेंट थी? रियल इस्टेट डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, फ्लैट्स बनाए, ग्राउंड बनाया, सब कुछ बनाया। इस टाइम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इस टाइम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। हर बिजनेस को ऑनलाइन आना पड़ेगा, मजबूरी है, ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ना बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही है। 20-30 ईयर्स ये पैकेज ऐसा ही होगा, उसके बाद शायद कुछ और इंडस्ट्री आएगी, फिर वो वैसे बूम करेगी। तो ये अभी आपका जो टाइम चल रहा है ना प्रेजेंटली, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने का चल रहा है। आया आया। एंट्रेंस एग्जाम्स कॉमर्स के फेमस एंट्रेंस एग्जाम एक तो हो गए सीए फाउंडेशन, सीएस, आईपी मैट, बीबीए वगैरह के लिए होता है, नारसी मुंजी से रिलेटेड एंट्रेंस, सीयूईटी होटल मैनेजमेंट, और डिज़ाइन से रिलेटेड एनआईटी डैट और एनआईएफटी। यहाँ पर आईआईटी जेई, जिसका कोई नहीं होता उसका जेई का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा और सारे एंट्रेंस जैसे केआईआईटी का हो गया, जैसे आपका वीआईटी का हो गया, जैसे आपका बिटसैट हो गया, ये सारे एंट्रेंस आ गए इंजीनियरिंग में, नीट हो गया, एनडीए, आईपी मैट, सीयूईटी और एसेट जो होता है एक्चुअरी के लिए, ये मेजर एंट्रेंसेज हैं दोनों स्ट्रीम्स के। कॉमन ट्रेड्स, भैया मुझे ये बता सकते हो मेरे लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा या फिर साइंस? देखो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू, मेरे साथ साथ एनालाइज कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जहां पर एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ए पी आई हो जाते हैं मैच, वो है हमारी आइडियल स्ट्रीम। और फिर इस स्ट्रीम में जहां पर ए पी आई हो जाता है मैच, वो हो जाता है आइडियल करियर, ठीक है। तो एप्टीट्यूड देखो, कॉमर्स स्टूडेंट को होता है न्यूमेरिकल वाला, थोड़ा सा ना नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होता है, फॉर्मूले के साथ नहीं होते कि वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वगैरह वगैरह ना, लेकिन जब कैलकुलेटर पे वर्क करता है तो आराम से कर लेते हैं, नंबर्स के साथ कंफर्टेबल है। डिटेल ओरिएंटेड, अकाउंट्स में आप क्वेश्चन कर रहे हो पार्टनरशिप का, और ये ना यहाँ पर 26 लिख दिया गलती से 25 की जगह, बस इससे ही सारी गड़बड़ हो जाएंगी। आपको ना डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि आप माइन्यूट मिस्टेक को चेक कर सको। डिज़ाइनर बनना है, माइन्यूटली वर्क करना पड़ेगा। मास कॉम में जाना है, अपने छोटे छोटे नुआंसेस पर वर्क करना पड़ेगा। डिटेल ओरिएंटेशन चाहिए और एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए कि अगर मैंने ये किया है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इससे आगे मैं कैसे इन चीज़ों को कर सकता हूँ, लॉजिकल थॉट प्रोसेस, ये एप्टीट्यूड है तो फिर आप कॉमर्स में जा सकते हो। पर्सनैलिटी, अच्छा कम्युनिकेशन आता हो, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मिक्स हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बोलता ही नहीं है बच्चा, लेकिन हाँ जब बोलता है तो अच्छे से बोलता है, मिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एम्बिशियस, बहुत कम लोग जानते हैं कॉमर्स स्टूडेंट ना अपने माइंड से एम्बिशियस होता है, उसकी पर्सनैलिटी एम्बिशियस होती है कि भाई ठीक है अगर मैं डिज़ाइन में जाऊँगा ना बिजनेस बनाऊंगा, अगर मैं फाइनेंस में जाऊँगा ना अपना बिजनेस बनाऊंगा, इंटरेस्ट यही है बिजनेस एंड मनी मैटर्स में। डिज़ाइन में गया, डिज़ाइन का बिजनेस सोचेगा, मास कॉम में गया, मास कॉम का बिजनेस सोचेगा, फाइनेंस में गया, फाइनेंस का बिजनेस सोचेगा, जहाँ पर भी जाएगा एक बिजनेस माइंडसेट ना दिमाग में है उसके, बैक ऑफ द माइंड ये है यार 5 to 10 ईयर्स जॉब करूँगा, उसके बाद ना मैं अपना बिजनेस करूँगी, उसके बाद मैं अपने करियर को बिजनेस के थ्रू शेप करूँगी, मुझे ना एंटरप्रेन्योर बनना है।
इस टाइप का अगर आपका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है बाबू, समझ जाना कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्कूल में देखे हैं वो जो स्टूडेंट्स बहुत प्यारे प्यारे नोट्स लिखते हैं, फिर उन नोट्स को सेल भी कर देते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी वो चार्ज करते हैं, दिमाग में ना बिज़नेस घूमता रहता है। बात करेंगे तो यार देख उस बिज़नेस का 500 करोड़ का लॉस है, अरे यार हम बिज़नेस बनाएंगे ना इसको ऐसे करेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे अपना ब्रांच ओपन करूँगा, फिर इतने टीम मेम्बर हो जाएंगे, फिर मैं CEO बन जाऊँगा, ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना, समझ जाना कॉमर्स स्ट्रीम का माइंडसेट है उस बच्चे का। ठीक है, अब आ जाते हैं साइंस की तरफ। एप्टीट्यूड चाहिए न्यूमेरिकल, कीन ऑब्जर्वर, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर देखो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आप साइंटिस्ट हो, आपके सामने प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्व करके मानोगे। आप इंजीनियर हो, आपके कोड में कोई इश्यू आया, आप उसको सॉल्व करके मानोगे। अगर आपके सामने एज अ डॉक्टर कोई चैलेंजिंग केस आया, एक वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके मानोगे। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपके पास नहीं है ना, बोल जाओ साइंस स्ट्रीम आपके लिए नहीं है। पर्सनैलिटी की बात करें, देखो ज्यादातर इंट्रोवर्ट मिलेंगे, आप डॉक्टर्स को देखोगे इंट्रोवर्ट होता है। अगर आप इंजीनियर्स में देखो, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, मैक्सिमम इंट्रोवर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आंसर्स की तलाश में रहते हैं और इंटरेस्ट होता है इनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फिगर आउट करने में। साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं ना, वो हमेशा ये नहीं सोचते कि एक दो लोगों पर हमारा सॉल्यूशन जाए, उनका होता है कि लाखों करोड़ों लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, हमारे रिसर्च से उनका बेनिफिट हो। ठीक है, इंजीनियर्स की भाई ठीक है, जो मैं ऐप बना रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें लाखों लोगों का, माइंडसेट ये होता है। आप NDA के थ्रू जा रहे हो कि भाई ठीक है मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, और हमेशा प्रैक्टिकलिटी दिमाग में कि ठीक है हवाबाजी छोड़ो, सामने बताओ क्या है। जो वो साइंस ओलंपियाड की तैयारी करते हैं ना आपके फ्रेंड्स, साइड में बैठे रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, लगे रहते हैं, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन, वो माइंडसेट है, माइंडसेट वो है। ठीक है जी, ये आपका API अगर अलाइंड हो रहा है, समझ जाना आपके लिए साइंस स्ट्रीम है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। देखो इस चैनल पर ना मेरा टारगेट सिर्फ एक है, आपकी स्ट्रीम, आपका करियर, आपका कॉलेज अलाइन करना। अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने भी वीडियोज़ बनाने पड़े, आप जितने डाउट्स पूछोगे मैं उनका आंसर करता रहूँगा। बस वन स्ट्रीम, वन करियर और वन कॉलेज अपने लिए फिगर आउट कर लो। करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी, नहीं याद हुआ है तो याद कर लो। अगर करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लैनेट स्टडी पर वो सॉल्व होगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।